सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है तो किस तरीके से आप अपने वीडियोस के कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हो। यानी कि हमारे वीडियोस पे काफ़ी ऐसे म्यूज़िक होते हैं जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक होते हैं, यानी कि यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल है जिसपे नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसे अपनी ब्लॉग वीडियोस पे या फिर टेक वीडियोस पे जो भी वीडियोस हो अपनी यूज़ करना चाहते हो उसे यूज़ कर सकते हो। उसे यूज़ करने के बाद आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको थोड़ा सा क्रेडिट दे देना है, ठीक है। उसके बाद उस म्यूज़िक को आप इजीली अपनी वीडियोस पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उस म्यूज़िक कंपनी को क्रेडिट देने के बाद भी अपनी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ऐसे ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। मैंने एक म्यूज़िक को यूज़ किया है मैंने एक वीडियोस पे अपने वीडियोस पे, लेकिन जब मैंने उस वीडियोस को यूज़ करने के बाद जब उसे अपलोड किया तब कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया था, ठीक है। तो कल शाम को मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, ठीक है। तो मैंने देखा उसके बाद किस तरीके से मैंने उसे रिमूव किया, आज की इस वीडियो में वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके वीडियोस पे भी कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं तो अगर आप भी अपने वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो बहुत ही नॉलेज बनाने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते, उससे पहले चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दी, तो मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था माई सेटअप टू के बारे में, तो उस वीडियो पे मैंने एक म्यूज़िक को यूज़ किया था, उसके वजह से मेरे इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, उस पर मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो उस पर मैंने इस म्यूज़िक को क्रेडिट दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। आपने देख पाओगे मैंने क्रेडिट दिया था, ठीक है, इस चैनल को, लेकिन फिर भी मुझे इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो अब हम बात करने वाले किस तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें अपने जो गूगल का क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इस जगह पे सर्च कर लेना है यूट्यूब। यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो यूट्यूब का पेज है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब को आपको ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद क्या करना होगा, आपको राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को एनेबल करना है, यानी कि आपका जो मोबाइल वर्जन है उसको डेस्कटॉप साइड पे ट्रांसफ़र कर लेना है, ठीक है। तो डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो यूट्यूब स्टूडियो है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम देता हूँ। तो उसके बाद आपको राइट कॉर्नर पे जो आपका चैनल का लोगो दिखाई दे उस पर क्लिक करने के बाद आपको YT स्टूडियो यानी कि यूट्यूब स्टूडियो पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपने यूट्यूब का स्टूडियो ओपन हो जाने के बाद आपको कंटेंट पे जाना है, ठीक है। कंटेंट पे जाने के बाद आप देख पा रहे हो जी मेरा जो माई सेटअप टूर का जो वीडियो है उस पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, कॉपीराइट क्लेम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। तो उस पर लिखा होगा कॉपीराइट क्लेम, तो उसके बाद आपको सी डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस, यानी कि किस कंपनी ने आपको इस कॉपीराइट दिया है और आपका क्या स्टेटस है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कॉपीराइट क्लेम आने से आपके चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि मोनेटाइजेशन आपके चैनल पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपका जो मेन ओनर है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो मेरा जो वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है, तो मैंने जो हैप्पी लाइफ म्यूज़िक यूज़ किया था बैकग्राउंड में उसकी वजह से मेरा इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया, ठीक है। और मेरा जो कॉपीराइट क्लेम आया है वो कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग 20 सेकंड टू 3 मिनट 39 सेकंड, यानी 20 सेकंड से लेकर 3 मिनट 39 सेकंड तक मेरा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चला है उस पर हमारा कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, हमारा जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर हुआ भी हो तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो ओरिजिनल ओनर है उसके पास चला जाएगा। तो इस कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए जो सिलेक्ट एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलता है, ट्रिम आवर सेगमेंट, यानी कि जो भी पोर्शन का कॉपीराइट क्लेम आया उसको आपको ट्रिम करके हटा देना है। उसके बाद रिप्लेस सॉन्ग, यानी कि जो सॉन्ग के आप यानी कि जिन म्यूजिक से आपका कॉपीराइट क्लेम आया उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद पूरा सॉन्ग को आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद का ऑप्शन है डिस्प्यूट, यानी कि अगर आपके पास उस म्यूज़िक का कोई ओरिजिनल क्रेडिट रहता है यानी कि ओनरशिप अगर रहता है तो आपको डिस्प्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए इस जो पोर्शन पे कॉपीराइट क्लेम आया है उसको मैं म्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली म्यूट सॉन्ग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो म्यूट सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन दिखाई देगा कि म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेस, यानी कि जो भी आपका साउंड हो, ऑडियो हो, वॉयस हो, वो सब म्यूट करना है, या फिर आपको सिर्फ जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया है, जिस म्यूज़िक पे कॉपीराइट क्लेम आया है उसको म्यूट करना है।
तो सिंपली मैंने जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया जिस म्यूजिक के कारण उसको आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको म्यूट सॉन्ग ऑनली यानी कि यूट्यूब पूछेगा कि आप सिर्फ सॉन्ग को म्यूट करना चाहते हो, तो आपको सिंपली म्यूट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो कुछ टाइम होने के बाद यानी कि 5 या 7 मिनट हो जाने के बाद मेरे वीडियोज़ पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस पे आप देख पाओगे नन लिखा इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप अपने YouTube वीडियोस पे बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ करते हो तो आप YouTube का ऑडियो लाइब्रेरी, उसके बाद कुछ ऐसे वेबसाइट है जो आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। आप चाहो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहे।